जैसे स्लोगन होली खेलते हुए हमेशा ध्यान में रखें ऐसा कुछ ना करें जिसका खामियाजा किसी को उठाना पड़े होली खेलें लेकिन खुद वे दूसरे को बचाकर विशेष रूप से आंखों को ऐसे मौके पर अक्सर मिलावटी रंग आंख में गिरने से रंग में भंग भी पड़ जाता है फर्स्ट बाइट ने अपने दर्शकों की इस परेशानी को देखते हुए जनरल मेडिसिन डॉक्टर संदीप मित्तल से विस्तार से बात की आइए देखते हैं फर्स्ट बाइट संवाददाता शिवानी गौतम की है रिपोर्ट पहले तो सर आपका छोटा सा परिचय कि संदीप मित्तल कौन है और आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा uh, मैं आई सर्जन हूँ और uh, मेरी सारी एनर्जी आई के ट्रीटमेंट में आई के रिसर्च में इन टीचिंग ऑफ इसी में कंसंट्रेटेड रहती हैं एंड uh, अब से नहीं पिछले 40 वर्षों से सर होली का जिस तरह से अभी त्यौहार तो है तो इसमें जो केमिकल्स आते हैं रंगों में मिले हुए उनकी वजह से आँखों को कितना नुकसान हो सकता है देखिए पहले तो खाली गुलाल से होली खेली जाती थी और सच पूछें तो हमारी जो कल्चर कहती है इंडियन कल्चर फूलों की होली गुलाब की पंखड़ियों से और चंदन लगा के माथे पे टीका या लेप करके वो सबसे अच्छा माना जाता है पर गुलाल फिर भी सेफ है गुलाल में भी थोड़े अबरी के कर्ण मिला देते हैं लोग और वो किसी तरह से अगर आँखों में चला जाए तो जख्म बना देता है ख़ास तौर से जब चला जाता है आँख में तो चुभन करता है और जैसे ही आ, मला जाता है आँख को तो आँखों को जख्म पैदा कर देता है इसके बाद मैंने देखा कुछ सालों से ये बड़े ही तेज केमिकल रंग हरे पीले नीले इनमें एनिलीन डाइन्स मिली होती हैं और ये बिल्कुल जैसे एसिड और एल्कली होते हैं तेजाव और ये एल्कली ऐसा काम करते हैं ना सरफेस पे तो ये नुकसान पहुंचाते ही हैं जख्म पहुंचाते हैं इनकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये आँखों की लेयर्स में अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं इम्प्रेगनेट कर जाते हैं और पुतली पे जख्म के अलावा अंदर आँख में सूजन भी कर देते हैं तो सर इन केमिकल वाले रंगों से किस तरह से आँखों का बचाव कर सकते हैं पहली चीज़ तो यह है कि ये बिल्कुल बैन होने चाहिए ना? इतने ख़तरनाक हैं कि मैंने देखा जो पेशेंट एक बार इनसे नुकसान उठा चुके होते हैं या उनके रिलेटिव या उनके जानने वाले वो तो समझ जाते हैं कि कैसे आँख की पूरी रोशनी जा सकती है इससे पर आम आदमी ये नहीं समझता क्योंकि रंगों का त्यौहार है और जितने रंग बिरंगे रंग होते हैं सबको अच्छे लगते हैं लगाने में भी लगवाने में भी पर आर डेंजरस खतरनाक है, ना जैसे आँखों में किसी के तेजाब डाल दिया है इस तरह के रंग हैं तो ये बिल्कुल बैन कर देने चाहिए अगर गलती से आँख में चले भी जाएँ तो बेस्ट है कि आँखों को जितना ज़्यादा स्वच्छ पानी से साफ पानी से धो देना चाहिए मलना नहीं चाहिए और अगर कोई एंटीबायोटिक ड्राप घर में या लुब्रिकेंट ड्रॉप अवेलेबल हैं वो जल्दी जल्दी जब तक कि मेडिकल आई हेल्प मिले डाल देना चाहिए जी। सर जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों को बहुत जल्दी चश्मे लग जाते हैं बहुत ही कम उम्र में तो उसका क्या कारण रहता है देखिए वैसे तो चश्मे की बीमारी चश्मे की जो वो है ये इनहेरिट करी जाती है जिन पेरेंट्स में खाली एक में या दोनों में माइनस के नंबर की टेंडेंसी होती है उनके बच्चों में भी अगर चार बच्चे हैं तो दो में या तीन में ये आने का वो रहता ही है पूरी संभावना रहती है पर कुछ नॉर्मल वेरिएशंस भी होते हैं जब आँख की लंबाई नॉर्मल 21 मिलीमीटर mm मिली के करीब होती है तो उसमें ना प्लस का नंबर चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ती है ना माइनस के नंबर की ज़रूरत पड़ती पर कुछ लोगों की जैसे कुछ लोग लंबे पैदा होते हैं या लंबे होते हैं छः फुट पाँच फुट चार फुट इससे भी कम जिनकी आंखें नॉर्मल से लंबी होती हैं उन्हें माइनस का नंबर लगाना पड़ता है जिनकी आंखें नॉर्मल से कम लंबाई की होती हैं उन्हें प्लस का नंबर लगाना पड़ता है तो ये नॉर्मल वेरिएशंस हैं पर जो माइनस के नंबर वाली बात होती है वो ज़्यादातर इनहेरिट होती है जिन फैमिलीज़ में ये होता है उनके बच्चों में भी काफ़ी संभावना रहती है माइनस का नंबर जी सर जेनेटिक होने के अलावा कभी कभी ज़्यादा स्क्रीन के सामने बैठने से भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाए बिल्कुल यस यस इन दिनों में मैंने कोरोना पीरियड में जब ये ऑनलाइन बच्चों का इन्वॉलमेंट रहा मैं तो हमेशा से पेरेंट्स को कहता था बच्चों को मोबाइल मत दीजिए पर इन दिनों मजबूरी रही और जिन फैमिलीज़ में कभी चश्मा नहीं लगाया गया पेरेंट्स ने उन बच्चों को भी इन दो सालों में मैंने देखा चश्मा लग गया और वो बड़ा तेज़ी से बढ़ा भी नंबर तो गजट्स का इस्तेमाल बहुत सेंसिबली करना चाहिए ख़ास तौर से मोबाइल छोटी स्क्रीन ज़्यादा एल्यूमिनेशन वाली स्क्रीन पास से देखना आंखों का मसल्स हमेशा कॉन्ट्रेक्टेड रहती हैं अगर पास से देखी जाए ब्राइट स्क्रीन ब्रा� और छोटी स्क्रीन तो ज़्यादा जोर पड़ता है जिनके टेंडेंसी नहीं होती उन्हें भी नंबर आ सकता है और अगर ये परसिस्ट करता है ज़्यादा देर तक बच्चे ऑनलाइन रहते हैं तो तेज़ी से बढ़ता भी है सर आजकल लोग खाने पीने में क्या बदलाव कर सकते हैं अपने आँखों को और ज़्यादा सुरक्षित रखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आँखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए तो जितनी हरी तरकारियाँ होती हैं जितने पीले फल होते हैं उनका रंग ही विटामिन ए की वजह से ऐसा होता है सर ये तो हो गई चलिए आंखों की बात आपके क्या प्रोग्राम्स हैं होली के त्यौहार पर वैसे तो देखो होली का नाम सुनते ही उल्लास उमंग और सभी कुछ सभी के दिल में उमरताया मेरे भी पर मैंने इतने खराब खराब कैसे देखे हैं होली के रंगों से खराब होते हुए मैं लोगों से भी कहता हूँ कि नहीं भाई बहुत अच्छे से मिलो एक दूसरे को बधाई दो फूलों से खेलो अगर खेलना ही है तो चंदन का लेप लगाओ मैं अपने को होली से बिल्कुल अलग रखता हूँ सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके धन्यवाद आपने अपना समय हमें दिया तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संदीप मित्तल जिन्होंने हमें बताया कि आँखों में अगर ये केमिकल वाले रंग चले जाएं तो आँखों को कित कितना नुकसान हो सकता है और ये कितने खतरनाक हो सकते हैं उन्होंने साथ ही ये भी सलाह दी कि चंदन से और अगर फूलों के रंगों से होली खेली जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा अभी फ़िलहाल इस खबर में इतना ही धन्यवाद इस खबर में फिलहाल इतना ही आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी नमस्कार